हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर मैं प्रेगनेंसी से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि दोस्तों आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हल्दी का सेवन करना महिला के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। देखिए दोस्तों, हल्दी हल्दी अपने आप में एक औषधीय गुणों से भरपूर है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो महिला और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए हल्दी बहुत ही यूजफुल है। अगर आपने बच्चे को जन्म दिया है उसके बाद अगर आप हल्दी का सेवन करती हैं तो इसके आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, तो इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हल्दी का सेवन अगर आप करती हैं तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जी हाँ, हल्दी का सेवन करने से आपको सर्दी, खांसी, जुखाम की समस्या नहीं होती है, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो महिला और बच्चे दोनों को सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार से बचाते हैं, जो बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप ऑर्थराइटिस की समस्या से परेशान हैं तो हल्दी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होती है। दर्द होना, सूजन होना प्रेगनेंसी के बाद, देखिए दोस्तों बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं, बहुत सारे ऐसे दर्द होते हैं जो जोड़ों के दर्द से महिलाएं परेशान हो जाती हैं, तो ऐसे में हल्दी आपके लिए बहुत ही कारगर होगी। अगर आप हल्दी का सेवन करती हैं दूध में डालकर तो ये आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगी। तीसरा है, पेट संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आपको एसिडिटी, कब्ज, लूज मोशन या मैं कहूँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो आपका पेट खराब रहता है, संक्रमण हो जाता है, तो आपको लूज मोशन होना, कब्ज होना या फिर आपको पेट दर्द होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन अगर आप हल्दी का सेवन करेंगी तो इनमें से आपको एक भी समस्या नहीं होगी और आप स्वस्थ रहेंगी। पाचन शक्ति को मजबूत करता है। देखिए, हल्दी में एंजाइम बनाने की क्षमता होती है जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है। अगर आप हल्दी का सेवन करती हैं तो आपका और आपके बच्चे दोनों का डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जो आप सेवन करती हैं वही आपके बच्चे में जाता है। अगर आप हल्दी का सेवन करती हैं तो उसके सारे गुण आपके बच्चे को भी मिलते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को आप हल्दी डायरेक्ट नहीं खिला सकते हैं, लेकिन आपके दूध के माध्यम से बच्चे को हल्दी के गुण मिल जाते हैं, तो इससे बच्चे की भी पाचन शक्ति ठीक रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चे की इंक्रीज होती है, बच्चे को सर्दी खांसी नहीं होती है, बच्चे का पेट भी स्वस्थ रहता है। तो जो गुण हल्दी के आपको मिलते हैं वो ही गुण आपके बच्चे को भी मिलते हैं। प्रेगनेंसी के बाद वजन बढ़ना बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं तो ये आपके वजन को भी नियंत्रित रखता है। ये विषैले दूषित पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर निकालता है और आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको मजबूत करता है और आपके वेट को डिक्रीज करता है। प्रेगनेंसी में जो आपका वजन बढ़ गया है उसको भी काफी हद तक कम करता है और एक बैलेंस वेट आपको मिलता है। डिलीवरी के बाद जब आपका बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, अगर आप हल्दी का सेवन करती हैं तो बहुत ही फायदे मिलते हैं। हल्दी का सेवन आपको कितना करना है, कैसे करना है और कब करना है? देखिए, कभी भी किसी भी चीज का आपको बहुत अधिक सेवन नहीं करना होता है, क्योंकि अधिकता हर चीज की बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो आप एक कप या एक गिलास गुनगुना दूध लीजिए, उसमें आप आधा चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाइए और सोने से पहले उसको पी लीजिए। बस पूरे दिन में अगर आप इतना भी हल्दी का सेवन करते हैं तो आप इससे बहुत ही ज्यादा फायदे मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा इसके लाभ हैं। स्किन से लेकर, पेट से लेकर, किडनी कहूँ, लीवर कहूँ, कुछ भी कहूँ, सब चीजों के लिए हल्दी फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं दोस्तों जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो अगर आप एक दिन में एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी का भी सेवन करती हैं तो बहुत ही लाभकारी होगा, और गर्भावस्था के बाद, डिलीवरी के बाद जो आपके शरीर में कमजोरी आ गई है वो भी सही होगी, बच्चे को भी इसके प्रॉपर मात्रा में गुण मिल जाएंगे। बुखार हो, सर्दी खांसी हो, सभी के लिए यूजफुल है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।